हेलो वर्षो भाई, स्वागत है आपका एक वीडियो में। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे एंगुलर के बारे में। जैसे आप देख सकते हो, एंगुलर है उसको अपने डिप्लॉय करते हैं, तो अपने उसके लिए अपने को क्लाउड होस्टिंग या फिर वीपीएस होस्टिंग की जरूरत होती है। तो मैं आपको एंगुलर को नॉर्मल होस्टिंग, ऐसे लिए होस्टिंग वेब होस्टिंग होती है उस पर डिप्लॉय करके बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरी एंगुलर साइट है। यहाँ पे पहले आपको अपनी साइट दिखा देता हूँ। सर मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा, इस वीडियो में इतना लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा बताऊँगा, ठीक है। इसको अपने ना नॉर्मल होस्टिंग में, जैसे अपने वेब होस्टिंग होती है उसमें डिप्लॉय करके बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखते हैं यहाँ पे मेरी लिंक की हुई है क्या। चलो होने वाला है, बस यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके करता हूँ। तो मेरी ये साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइकन वही है। यहाँ पे सर्विस, कोर्स, ब्लॉग ये सब मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो इसको मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ नॉर्मल होस्टिंग है। मेरे पास होस्टिंग है, यहाँ पे होस्टिंग है, इसके ऊपर डिप्लॉय करने वाला हूँ। देख लो ये नॉर्मल होस्टिंग है, होस्टिंग मेरे पास, ठीक है। ये जब तक ओपन हो तब तक होते, तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने ऑफिशियल साइट पे आते हैं। यहाँ पे अपने को देखो बिल्ड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्री यहाँ से पढ़नी चाहिए अपने को, क्योंकि यहाँ पे अपडेट की भी रहती है। वैसे गूगल से पढ़ते हैं तो कुछ आर्टिकल होते हैं जो पुराने होते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, अरे एनजी बिल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, तो अपने इसमें आते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी दबाया और फिर एनजी बिल्ड के सिंपल इंटर किया। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे तीन वार्निंग मिल रही है, इनको फिक्स कैसे करनी है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ और मैं इसको वो कर भी चुका हूँ। इसको फिक्स करने के लिए आपको देखना है एंगुलर डॉट जेएसपी। मैंने यहाँ पे देखो दो है ना, यहाँ पे 20 KB कर दो, देन अगेन तो एनजीबी कर लेते हैं। उसको सेव नहीं किया मैंने, ये आपका बिल्ड हो जाएगा। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, और अगर फिर भी आपका नहीं हो तो मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। वो मेरी इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप देख लें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो अपनी देखो ये हो भी चुका है। यहाँ पे एक वार्निंग हो रही है एक चीज़ की, चलो इसको भी 40 KB कर देते हैं, उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। फिर कर देना, आपका सब सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अभी मैं इनको वापस से अपने सही कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको नहीं बताने वाला। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, या फिर मैं फोल्डर में दिखाता हूँ, तो मेरे पास ये फोल्डर आ गया, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, सबको क्रॉस किया, फोल्डर को मैं बाहर ले आया और इसको कंप्रेस जिप कर लिया, ठीक है। देन अपने क्रोम पर जाते हैं, न्यू होस्टिंग ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब देखो अपनी लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने दो साइटें ऐड कर रखी है। मैं मेरे साइट पे जाता हूँ, और ये नॉर्मल वेब होस्टिंग है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ये डोमेन ले रखा है, डोमेन वगैरह इससे लोगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। वो डोमेन का कुछ पूछ रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं फाइल्स में आ जाता हूँ, और अपने फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक्सेस फाइल में आ जाता हूँ, ये अपनी नई अपनी डेटाबेस ओपन हो जाएगा, अपने डैशबोर्ड पे रखा हुआ ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में आना है आपको, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, मैं इन सबको डिलीट मार देता हूँ, और मैं इनको सिंपल डिलीट कर दिया ये लो। और यहाँ पे मैंने अपलोड पे क्लिक किया, मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप पे आया। हाँ, वो छोरा तो यहाँ पे सिंपल इसको जो ने मैंने कंप्लेंस की, इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गई, यहाँ पे इस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ये पेज को, और यहाँ पे एक बैक स्लैश ये देते हैं। इससे क्या होगा, ये इसी फोल्डर में यहाँ पे बाहरी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये एक्सट्रैक्ट हो गई, देख सकते हो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। अगर आपके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं हो पब्लिक फोल्डर में डायरेक्ट, तो आप उसको एक काम और करना अपने, अरे एक सेकेंड बैक, ये जी फाइल है, यहाँ पे आना है अपने को, कंट्रोल ऑल कॉपी फाइल ऑल, और
है। अरे कल गड़बड़ कर दी, यहाँ पे डालना था। चलो इनको आप ही डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल और कंट्रोल इस पर डाल देते हैं। कॉपी और इसके अंदर डालनी है, इसको कॉपी कर देते हैं। गड़बड़ कर दी इसको। चलो इसको फिर से अपने डिलीट करते हैं। मैंने इनको दो बार अपलोड कर दिया सभी को। यहाँ पे मैं डिलीट फोल्डर कर देता हूँ इसको पूरे को ही। इस फोल्डर को पूरा डिलीट कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट वापस से करते हैं इसको। अरे एक्सट्रैक्ट कर ली तो अपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए। देखो यहाँ पे सारी फाइलें आ चुकी हैं। तो अभी ये मैंने डाला था डिकोज वाली में, ठीक है ना, फाइल मैनेजर, मैंने इस डिकोज डॉट कॉम वाले पे। चलो मैं दिखा देता हूँ ये आपको। मैं इसको सिंपल ओपन किया, ये देखो सेम वही है। यहाँ पे आप डोमेन देख सकते हो। मैं आपको वापस से गूगल पे दिखा देता हूँ, ये काम कर रही है। सिंपल एंटर किया, ये देखो फाइल। अभी देखते हैं इसके पेजेस काम करते हैं क्या। लोग बोलते हैं कि वेब होस्टिंग में अगर अपने ये डालते हैं तो इनके पेज वर्क नहीं करते। ये देख सकते हो आप, पेज ऊपर देखो, पेज चल रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पेज चल रहे हैं सर। यहाँ पे ये होम पेज हो गया, यहाँ पे ब्लॉग पेज आ गया, कोर्स पेज आ गया, सर्विसेज, यहाँ पे नोट पेज, यहाँ पे नोट्स वगैरह के, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का देखो पूरा वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे देख दिखाता हूँ, मेरा फेसबुक पे आ गया। यहाँ पे मैं अपनी इंस्टा दिखाता हूँ, देखो इंस्टा पे आ गया। तो अगर इसके अलावा आपको कुछ जानना हो तो मेरे को डीएम कर दें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम की। अगर वहाँ से भी नहीं मिले तो आप ये एक बार आके अपनी ये साइट ज़रूर चेक करना कि हाँ ये काम कर रही है नहीं कर रही है और सब ठीक है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, सारी चीज़ें हैं मेरे। बट मैंने अभी इसका बैकएंड नहीं बना रखा, वो भी जल्दी बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें अभी तो मैंने केवल इसके फ्रंट एंड से बनाई है। तो और आपको अगर पूछना हो तो आप डीएम कर देना।